या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी, खरच आपण आईशिवाय काहीच नाहीये। आई आणि मां हा जरी शब्द ऐकला तर अंगावर काटा येतो। आई आणि मां हा शब्द आपल्याला कायम हवावासा वाटणार आहे, पण आजकाल आईवर आई बहिणीवर सर्रासपणे शिव्या दिल्या जातात आणि हे शिव्या कोणी नाही सोडून आपले फ्रेंड सर्कलमध्ये दिल्या जातात। याची एक मोहीम तंजीम हमदर्द इन्सानियतचे काही पदाधिकारी किंवा ही जे तंजीम हमदर्द इन्सानियत आहे त्यांनी ही विढा उचलला आहे की ही जे आपल्या फ्रेंड सर्कलमधून आपल्या माता बहिणीवर शिव्या दिल्या जातात। हा प्रश्न थोडी कमजोर वाटला किंवा मजाक वाटला तरी पण हा प्रश्न खूप गंभीर आहे। या गंभीर प्रश्नावर तंजीम हमदर्द इन्सानियतने एक आवाज उठवला आहे। सोलापूर शहरातील वेगवेगळ्या भागात त्यांनी फोटोसुद्धा लावलेले आहेत, तुम्ही माझ्या पाठीमागं पाहू शकता। सिवी गाधी मुक्त कट्टा असा अभियान त्यांनी चालू केलेला आहे आणि एक चांगला संदेश त्यांनी इथे दिलेला आहे। नेकी की राह पर चल एक कदम गाली, कमाई की बरकत खत्म करती है, दुआओं की कबूलियत को रोकती है, आओ इस बुराई को छोड़ने के लिए मुहिम में शामिल हो जाए, असा संदेश तंजीम हमदर्द इन्सानियतने दिलेला आहे। आपल्यासोबत तंजीम हमदर्द इन्सानियतचे अध्यक्ष हाफिज मेहबूब साहब आपल्यासोबत जुड़े आहेत। विचारूया याचा मकसद काय आहे? शुक्रिया सर। आपने जो सोलापूर शहर में पूरा पोस्टर लगाया है, इसका मकसद क्या है? आपने बैनर की हेडलाइन देखी होगी, शिवी मुक्त कट्टा, यानी हमारी तंजीम हमदर्द इंसानियत के तमाम जिम्मेदारों के जानिब से और उनकी कोशिश से एक कोशिश और एक पहल ये करना चाह रहे हैं कि शिवी मुक्त कट्टा यानी एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसा समाज कायम हो जिसमें गाली ना दी जाए, इसका मकसद ये है बस। गाली कौन से लोग देते हैं? अभी ये चीज़ आम है गाली, और गाली देना कोई बुरी बात इस वक्त समझा नहीं जा रहा, और गाली हर समाज में हर कम्युनिटी में नापसंद की गई है और हर समाज में इसको बुरी चीज़ मानी जाती है। होता ये है कि गाली एकदम क्लोज फ्रेंड, जो बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिनका बहुत करीबी ताल्लुक होता है, वैसे ही लोग एक दूसरे की माँ बहन निकालते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है, ये चीज़ें हमारे समाज में ख़त्म होनी चाहिए। इस मकसद और इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं। वो तो बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में चलता है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा हुआ कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं। किताबों में अगर पढ़ा जाए तो एक दोस्त दूसरे दोस्ती की पहचान होती है, और बाज़ जगह ये भी देखा गया दोस्ती में, एक दोस्त रूह है तो दूसरा दोस्त उसकी जान है। रूह जिस्म के बगैर अधूरी है और जिस्म रूह के बगैर अधूरा है। तो अगर रूह और जान में अगर माँ बहनों की अगर इज्जत उछाली जाती है तो किसी तरह का इसमें कोई अच्छाई और दोस्ती रहने का ताल्लुक नहीं देखा जा सकता। तो दोस्ती में और दूसरे दीगर जितने भी रिश्ते हैं, इन तमाम रिश्तों में गाली ख़त्म होना ज़रूरी है। ज़्यादातर ये चीज़ दोस्ती में इवन ये कहा जाता है कि मजाक में दी गई, भाई अक़ल सलीम अल्लाह ने हम सबको दिया है, मजाक में माँ बहन की इज्जत किस तरह उछाली जाती है, जबकि अगर मैं किसी को दोस्त समझता हूँ तो उसकी माँ अपनी उसकी माँ को अपनी माँ समझता हूँ, उसकी बहन को अपनी बहन समझता हूँ, खुद को उसका अपने फैमिली एक मेंबर बताता हूँ, तो मैं जिस फैमिली का एक मेंबर हूँ और जिसकी माँ को मैं अपनी माँ समझूँ, जिसकी बहन को मैं अपनी बहन समझूँ, तो उसकी इज्जत उछाल कर उसको गाली देकर मैं किस बात को बताना चाहता हूँ और दोस्ती का किस तरह अदा कर रहा हूँ? ये पोस्टर लगाने से हल मसला खत्म हो जाएगा? कतरा कतरा दरिया में शवत, मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। शुरुआत एक से होती है, जब इसका इख्तिताम होता है तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना रिस्पांस किसी और, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा ना, ये गाली एक ऐसी चीज़ है जो हर समाज में नापसंद की गई है, हर समाज में। तो गुज़िश्ता कल रात से और आज सुबह तक ऐसे कई हमको कॉल आए, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, अदर कास्ट के लोगों के, जिन्होंने हमको मुबारकबाद पेश की, बधाई पेश की कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे देश में, जहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। तमाम नागरिकों को इस चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूं, शराब नोशी, जुवा, मावा, बीड़ी, सिगरेट, गालियां, ये चीज़ों को समाज से ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये किसी खास जमात, खास तंजीम, एक चैरिटेबल ट्रस्ट का काम नहीं है, बल्कि हर समाज की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने समाज से ऐसी चीज़ों को ख़त्म करे जो नुकसान फैलाने वाली है, बुराई फैलाने वाली है, बेहयाई को फैलाने वाली है, उसमें से गाली है। और गाली भी माँ बहन की इतनी आम हो गई, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा,
गाली देना बुरी बात नहीं समझा जा रहा, माँ की गाली पर इस तरह आप हमारे पोस्टर पर देखेंगे, गाली जो है ये कमाई की बरकत जो रोजी रोटी की बरकत को खत्म करती है, हम जो ईश्वर और अल्लाह से दुआ करते हैं उसकी कबूलियत जो होने वाली है उसको रोकती है। और उसके बाद हमने लिखा है कि 20 हड्डियां अगर एक साथ एक जिस्म एक इंसान की तोड़ी जाए उस वक्त जितनी तकलीफ उसको होती है उससे कई दर्जे ज्यादा एक माँ को अपने बच्चे के पैदा करते वक्त होती है, ये लिखा है। उसके बाद हमने इस पर पोस्टर पर लिखा है और साइंस का ये नजरिया है कि मर्द उतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है खुद को कमजोर करके, तो हम कितनी आसानी के साथ माँ बहन की गाली देते हैं। तो ये बुराई हमारे समाज से खत्म होनी चाहिए। जिंदगी का तजर्बा और तजर्बेकार लोगों का तजर्बा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितनी मोहब्बत दुनिया में है सब में बेवफाई है, सब में धोखा है, मिलावट है, झूठ है। एक जात ऐसी है जिसकी मोहब्बत में मिलावट धोखा बेवफाई नहीं है, वो जात माँ की है, इवन माँ की। और हर समाज में माँ को एक बड़ा आदर और सम्मान दिया गया है, एक बड़े इज्जत और मकाम के सर पे ला कर बिठाया गया है और वो माँ उसके हकदार है। आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम शहर सोलापुर के नागरिकों से, इवन वो किसी मजहब से किसी तबके से किसी मसलक से बिलोंग क्यों ना करते हो, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये बुराई हमारे समाज से ख़त्म होनी चाहिए। हर हम शुरुआत हम करें, मैं ये सोचूं कि मैं आज से गाली देना बंद करूँगा। अगर मैं गाली देना बंद कर दिया खुद ब खुद मेरी माँ की इज्जत मतलब महफूज रहेगी। और आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँ, अगर मैं अपनी माँ को अपने जन्मदिन पर अगर कोई गिफ्ट दूँ कोई तोहफा दूँ, तो इससे बेस्ट गिफ्ट और तोहफा ये नहीं होगा कि मैं मेरी माँ के जन्मदिन के मौके पर ये अहद करूँ कि मैं आज इसे किसी माँ किसी को माँ और बहन की गाली नहीं दूंगा। मेरे नज़दीक और तंजीम हमदर्द इंसानियत के जिम्मेदारों के नज़दीक और एजुकेटेड और समाज में बुराई ख़त्म करने वाले इस दर्द को रखने वाले अहबाब के नज़दीक इससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं होगा। इसका आइडिया कब से चालू है, कब से प्लान हुआ, यही मुद्दा उठाने की क्यों जरूरत पड़ी आज? ये छुपी छुपाई बात नहीं है, सांगली में किसी मस्जिद के जिम्मेदारों ने शुरुआत किया था, वो पोस्ट हम तक पहुंची। चूंकि तंजीम हमदर्द इंसान ने शुरू से ही हमारा स्लोगन है बिला तफरीक मसलक वो बिला तफरीक मजहब, मजहब और मसलक की बुनियाद पर हम लोग काम नहीं करते। जिस काम से समाज में जागरूक पैदा हो, नौजवान मजबूत हो, अच्छाई फैले, प्यार मोहब्बत फैले, उख़वत भाईचारगी फैले, नफरत खत्म हो, दूरियां खत्म हो, जो भी काम होगा तंजीम हमदर्द इंसानियत कल भी कर रही थी आज भी कर रही है, इंशाल्लाह शहर सोलापुर के सपोर्ट से हम जब तक हम बाकी रहेंगे इंशाल्लाह करते रहें। आज पोस्टर लगा है, आगे आने वाले दिनों में कुछ अलग प्लान है आपके? हमें जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा इतना बड़ा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको अंदाजा नहीं था। मालूम हुआ कि गाली जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब समाज में नापसंदीदा की गई है। मैंने कहा ना कई गैर मुस्लिमों के कॉल आए, उन्होंने मुबारकबाद पेश की, बधाई पेश की और उन्होंने इस बात की दावत दी। ये हमारी गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत बड़ा एक सबूत है कि उन्होंने कहा ऐसा बैनर आप हमारे मोहल्ले में लगाएं उसका जो भी खर्च होगा हम देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने शुरुआत तो की है अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा का कॉन्सेप्ट अभी गालिबन आप सोशल मीडिया पर देखें, हमने सोशल मीडिया पर भी इस पोस्ट को वायरल किया है, 1500 से जायद हमारे डाटे में इस पोस्ट को लोगों ने व्हाट्सअप स्टेटस इंस्टाग्राम फेसबुक या सोशल मीडिया के जितने शोबे हैं अपने स्टेटस पर लगाया है और हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। कॉन्टेक्ट नंबर पर लोग हमको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और उसको पोस्टों को मांग रहे मांग करके अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आइंदा का कॉन्सेप्ट ये है, इसलिए कि हम इसमें सक्सेस हुए, आइंदा का कॉन्सेप्ट ये है नशा मुक्त सोलापुर, मावा मुक्त सोलापुर, शराब मुक्त सोलापुर का कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह। अगर लोगों का साथ रहेगा तो जिस तरह हम इस मामले में सक्सेस हुए इंशाल्लाह आइंदा भी सक्सेस होने की उम्मीद है। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्र उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्सरे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी नई जिंदगी रोड अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ सोलापूर।